नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। विदेश की धरती पर जाने के सपने कभी कभी जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचा देते हैं। ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब गुरुदासपुर पुलिस के CIA स्टाफ ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नौजवान को 1 किलो अफीम और 32 बोर के नाजायज पिस्टल और गाड़ी समेत गिरफ्तार किया। नौजवान विदेश जाने का चाहवान था और विदेश जाने के लिए जल्द पैसे कमाने के चक्कर में अफीम बेचने का काम करने लगा और पुलिस की गिरफ्त में आ फंसा। फिलहाल गुरुदासपुर पुलिस के द्वारा केस दर्ज करते हुए आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है। गुरदासपुर पुलिस के SSP राजेंद्र सिंह सोहल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि सूचना के आधार पर गुरदासपुर पुलिस के CIA स्टाफ की तरफ से नाकेबंदी के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी नंबर PB06NY0974 को रोककर तलाशी ली गई तो उस गाड़ी में से 1 किलो अफीम और 1 32 बोर का पिस्टल बरामद किया गया। गाड़ी के ड्राइवर अमरवीर सिंह से पूछताछ की गई तो उसने माना कि यह पिस्टल जो कि नाजायज है उसी के द्वारा खरीदी गई है और वह अफीम को लेकर बेचने का काम कर रहा है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कहा कि आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं उन्होंने बताया कि पकड़े गए नौजवान पर पहले से कोई केस दर्ज नहीं है। CA स्टाफ गुरदासपुर वालों SPD श्री हरविंदर सिंह संधू की अगुवाई हेठ एक मुलजम अमरबीर सिंह पिंड औलख थाना श्री हरगोबिंदपुर नूं गिरफ्तार किया। साढ़े कोले इनफॉर्मेशन से भी कोई बंदा अफीम की तस्करी कर रहा तो वो वैपन भी है तो DSP राजेश कक्कड़ मौके पर पहुँचे तो इनू काबू किया तो ये को जड़ा है एक कार स्विफ्ट एक पिस्टल आटोमैटिक 32 बोर तो 1 किलो अफीम बरामद हुई है। अगली जाँच पड़ताल जारी है कि इन्हें जोड़ा वैपन से वोद की होर कोई वारदात ज लुट ज कोई निजी दुश्मनी वास्ते खरीदया से उसकी जाँच पड़ताल चल रही और यह काम केवल जल्द पैसे कमाने के लिए कर रहा था। वहीं पकड़े गए नौजवान अमरवीर सिंह का कहना है कि वह पढ़ाई के बाद विदेश जाने के लिए आईलेट्स कर रहा था और जल्द पैसे कमाने के लिए वह अफीम बेचने का काम करने लगा, लेकिन अब पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद अफसोस हो रहा है कि वह यह काम क्यों करने लगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ।